लास्ट वीडियो में आपने देखा कि टाइटल ब्लॉक को क्रिएट कैसे करना है। अभी हम सीखने वाले हैं ई ट्रांसमिट। सपोज समझ लीजिए कि दो फाइल है आपके पास, एक फाइल है आर्किटेक्चर की फाइल, दूसरी फाइल है फर्नीचर की फाइल, जो हमने पहले एक्सट्रैक्ट किया था, एक्सटर्नल रेफरेंस किया था। ओके, तो आर्किटेक्चर की फाइल के अंदर हमने फर्नीचर की फाइल हमने रखी है। तो जब हम आर्किटेक्चर की फाइल किसी को मेल करते हैं, तब क्या होगा कि जो आर्किटेक्चर की जो फाइल है वही सामने वाले को दिखाई देगी, और फर्नीचर की जो फाइल है वो उसको सामने वाले को दिखाई नहीं देगी। ओके, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है इसलिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों फाइल एक साथ सेंड करनी पड़ेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में फाइल सेंड करना भूल जाते हैं, तो सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि सपोज सामने वाले को हमारा जो ड्राइंग की जो स्टाइल है वो सामने वाले को दिखाई देनी चाहिए, या जो हमारे फ्रंट फ्रंट हमने जो साइज़ रखी है वो सामने वाले को दिखाई देनी चाहिए। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ है हमको सेंड करनी पड़ती है, तो इसलिए हम करते हैं ई ट्रांसमिट। ओके, तो चलिए देखते हैं ई ट्रांसमिट में क्या होता है। ई ट्रांसमिट एंटर, जैसे एंटर किया आपका जो ड्राइंग सेव होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस की फाइल है, यहाँ पे आ गई है। एक ही फाइल हमने ली है प्रैक्टिस की फाइल, और इसके साथ में जो एक्सटर्नल फाइल हमने रखी थी एक्सेप्ट करके, यहाँ पे फर्नीचर की फाइल लाए थे हम, वो भी फाइल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्नीचर की फाइल हमने यहाँ पे लाया नहीं है फिर भी आ गई है, क्योंकि एक्सेप्ट किया हुआ था इसलिए। ओके ओके, यहाँ पे जो सपोज हमने फ्रंट लिखे होते उसकी साइड स्टाइल होती तो यहाँ पे वो भी स्टाइल आ जाती। ओके, न्यू स्टाइल हमने बनाई होती तो। ओके, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, सपोज आपको दूसरी भी फाइल ऐड करनी है इसके अंदर, तो ऐड फाइल पे क्लिक कीजिए, या आप यहाँ से दूसरी भी फाइल भी ऐड कर सकते हो। सपोज आपको एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, या ड्राइंग की फाइल, या कोई भी इमेज आपको इसके अंदर अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं। सपोज मुझे सैम्पल की फाइल भेजना है, सैम्पल सिलेक्ट किया, ओपन। ओके, तो यहाँ पे सैम्पल की फाइल आ गई। यहाँ पे दूसरे सेटिंग दिए है, ट्रांसमिटर सेटअप सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई। यहाँ पे आपको कैसी फाइल चाहिए। ओके, ट्रांसमिटर पैकेज टाइप है, यहाँ पे आपको लास्ट में जिप फाइल मिलेगी। ओके, यहाँ पे आपको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे सपोज आपको ऑटोकैड के ओल्ड वर्जन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो ओल्ड वर्जन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ से पूरे पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे आपको सेव करना है। और यहाँ पे एक्शन दी है, आपको मेल सेंड करना है, या आपको जो एक्सरे आपने किया हुआ है वो परमानेंट यहाँ पे एक ही फाइल में फिक्स करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ड्राइंग को पर्च कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे दिया है इंक्लूड फ्रंट। ओके, इंक्लूड ऑप्शन है, दूसरे है इंक्लूड फंट है, आपको यहाँ पे फंड भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फंड भी आ जाएंगे। ओके, और यहाँ से कर दिया मैंने ओके क्लोज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जो जो फंड की स्टाइल भी जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो जितनी भी फाइल आपके साथ अटैच करना है आप यहाँ से ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगी फाइल, और यहाँ से कीजिए ओके। कहाँ पे सेव चाहिए आपको, मुझे डेस्कटॉप पे सेव चाहिए, क्या नेम लिखना है प्रैक्टिस, और यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो, और जो फाइल बनेगी वो फाइल बनेगी जिप फाइल, और सेव। ओके, तो जितनी भी फाइल आपके ज़रूरी है वो सारी फाइल एक ही फोल्डर के अंदर आ जाएगी, जिप फोल्डर में। ओके, यहाँ पे आप जिप फोल्डर आ गया है, डबल क्लिक करके देख लीजिए कि जो आपने फाइल सिलेक्ट की थी वो फाइल इसके अंदर आ गई है या नहीं आई है। फर्नीचर की फाइल, प्रैक्टिस की फाइल, सैम्पल जो फ्रंट की फाइल थी वो भी आ गई है। ओके, तो जो ज़रूरी चीज़ होती है वो पूरी एक साथ अंदर एक ही फोल्डर में आ जाएगी, तो आप किसी को मेल कर रहे हो तो आप भूल नहीं जाओगे। ओके फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि ई ट्रांसमिट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्लॉटिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग को कन्वर्ट कैसे करते हैं पीडीएफ में, जेपीजी फाइल में, पीएनजी फाइल में और अदर फॉर्मेट में।